सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम लोग करने वाले अनबॉक्सिंग वेगा के इस हेलमेट की, जो कि मैंने मंगाया है वेगा की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये रहा हमारा हेलमेट का बॉक्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और ये इसका नाम है वेगा बोल्ट रैपिड, और इसका जो प्राइस है वो है कुछ 1997 रुपये, मतलब के लगभग 2000 रुपये करीब का आपको ये मिलता है। पैकिंग काफ़ी अच्छी है, ये मैंने मंगाया है वेगा की ऑफिशियल वेबसाइट से। इसका जो मॉडल आता है रैपिड, सॉरी वेगा बोल्ट, वो आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पर भी मिल जाता है, लेकिन ये जो मॉडल था, ये जो कलर था पर्टिकुलर, ये मुझे नहीं मिलता फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर। इसके लिए मैंने ये वेगा की वेबसाइट से मंगाया हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत हेलमेट है। इसके जो ग्राफिक्स है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बोल्ट की ब्रांडिंग है, यहाँ रेसिंग की ब्रांडिंग दी हुई है सामने इधर, यहाँ पे आपको वेगा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ये इसका सनवाइजर है, जो कि स्मोक सनवाइजर इसको बोलते हैं। इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलता है, क्लियर है, स्मोक है, और एक रेनबो कलर या कुछ ऐसा होता है। इसकी पैडिंग जो है, आपको काफ़ी प्रीमियम हेलमेट जो आते हैं एसएनके वगैरह के, LS2 वगैरह के, उस तरह की कुछ पैडिंग मिलती है, और यहाँ पर आपको चिन कर्टन भी मिल जाता है। ये इसका स्पॉइलर है, चलिए इसको लगाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पॉइलर लगने के बाद ये हेलमेट काफ़ी खूबसूरत दिखता है। जो दोस्तों ये पर्टिकुलर डिज़ाइन है, जिस तरीके का हेलमेट आपको मिलता है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये जो इसका पैडिंग वगैरह है, ये सारी रिमूवेबल और वॉशेबल है। इसको आप आसानी से निकाल कर ऐसे रिमूव करके इसको आप वॉश कर सकते हैं। इसमें सारी बटन दी हुई है, और इस प्राइस रेंज में ये हेलमेट 2000 के अंदर आपको मिलता है। इस प्राइस रेंज में आपको इस टाइप का हेलमेट कोई भी ब्रांड की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा। जैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी है, और इसके जो ग्राफिक्स है, और इसके जो लुक्स है, काफ़ी सब चीज़ें इसकी अच्छी है। ये हेलमेट मैंने काफ़ी यूट्यूब पर रिसर्च की, वीडियोस देखे काफ़ी सारे हेलमेट्स के, तो जो हेलमेट्स थे ऐसे लुक वाइज और ऐसे बिल्ड क्वालिटी वाले, उन हेलमेट्स की प्राइस लगभग 3000 के ऊपर ही थे ज़्यादातर, चाहे वो स्टील बर्ड का हो, चाहे SMK का हो, चाहे LS2 का। SMK और LS2 तो 4000 के ऊपर स्टार्टिंग होती है। स्टील बर्ड का जो टर्मिनेटर आता है वो भी 3200-3000 के लगभग आता है। तो ये हेलमेट उन सबके मुकाबले में बहुत अच्छा मुझे लगा और बहुत पसंद आया, और इसका जो कलर क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं इसके, और बिल्ड क्वालिटी तो इसकी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डॉट सर्टिफाइड है और ISI सर्टिफाइड दोनों ही है। आपको इस प्राइस रेंज में शायद ही डॉट सर्टिफाइड हेलमेट देखने को मिलेगा कोई ब्रांड का। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चिन के पास एक एयर वेंट मिल जाता है, जिससे कि हवा अंदर जाएगी, और यहाँ पर आपको सर पे दो एयर वेंट देखने को मिल जाएंगे, जो ऐसे ओपन एंड क्लोज होते हैं। यहाँ से हवा अंदर जाएगी, ये इनलेट है। अब पीछे की तरफ जो ये स्पॉइलर लगा हुआ है, यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है, आउटलेट जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके वजह से आपको सफोकेशन ज़्यादा नहीं महसूस होगा। यहाँ से एयर अंदर जाते रहेगी, यहाँ से निकलते रहेगी, तो एयर सर्कुलेशन है जो काफ़ी अच्छा बना रहेगा, जिससे आपको कम गर्मी भी लगेगी और दूसरा आपको सफोकेशन नहीं होगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, मैंने हेलमेट मंगाया था, उससे एक वीडियो बना लूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।